बेटा ही निकला माँ का कातिल। पुलिस ने अंधे हत्याकांड का किया खुलासा। लगभग 3 माह पूर्व जनपद ललितपुर के देवगढ़ रोड के किनारे सो रही एक महिला की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतिका के पुत्र द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी। आज पुलिस ने मामले का चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि महिला का हत्यारा उसका पुत्र है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला और उसका पुत्र जीरोन गांव से ललितपुर आए हुए थे, जहां रात अधिक होने के कारण माँ बेटे दोनों सड़क के किनारे सो गए। पुत्र शराब के नशे में था। देर रात पुत्र ने माँ से अपनी शादी कराने के लिए कहा, जिस पर माँ ने पुत्र को डांटते हुए शादी कराने से मना कर दिया, जिस पर आवेश में आकर पुत्र ने अपनी ही माँ की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। और नशा कम होने पर वो अपनी माँ को लेकर जिला अस्पताल गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आज पुलिस ने माँ के कातिल बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ललितपुर से मोहम्मद शमीम की ये रिपोर्ट। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में एक घटना 12/9 को घटित हुई थी, जिसमें एक महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। उस समय पे वो महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। महिला की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। मुकदमा कायम होने के बाद कई टीमें बनाई गई, कई प्रयास किए गए और कई सारे चश्मदीदों और सुरागों का हम लोगों ने गहनता से अध्ययन भी किया और देखा भी। उसके उपरांत लगभग 1.5 महीने बाद हमें कुछ पुख्ता सबूत मिले, कुछ चश्मदीदों द्वारा और भी बयान लिए गए डिटेल्स में। उसमें पता चला है कि उसके बेटे द्वारा ही ये घटना को कारित किया गया था। जो इमीडिएट रीजन जो समझ में आ रहा है, वो उनके आपस में शादी को लेकर विवाद था। बेटा चाहता था मेरी शादी हो, लेकिन महिला द्वारा उसको मना किया गया, क्योंकि जो उसका बेटा था वो शराब पीने का आदतन था और उस दिन भी इसने शराब पी थी और उस दिन भी इसने इसी शराब के आवेश में आके घटना को कृत्य को कारित किया है। बेटे को पकड़ लिया गया है, उसने घटना को कबूला है, उसको हम जेल भेज रहे हैं। सर, मैंने मानना चाहता था कि